कलेक्ट्रेट पर जारी जयस के अनिश्चितकालीन धरने में आज विधायक हीरालाल अलावा भी शामिल हुए। धरना स्थल पर पहुंचकर डॉक्टर हीरालाल अलावा ने जयस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, साथ ही प्रदेश सरकार पर तीखा प्रहार किया गया। सांसद गजेंद्र पटेल द्वारा हीरालाल अलावा के आरोपों पर पलटवार भी किया गया। जयस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजू पटेल के नेतृत्व में जयस कार्यकर्ता और पदाधिकारी पुराने कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। जयस कार्यकर्ताओं की मांग है कि जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार की जांच की जाए और दोषी अधिकारी व ठेकेदारों पर कार्यवाही की जाए। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजू पटेल का कहना है कि आदिवासी बच्चों के पीने के पानी में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। जब तक पीएचई विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों पर एफआईआर नहीं हो जाती, उनका ये धरना जारी रहेगा। गुरुवार को जयस कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे इसी धरने में शामिल होने विधायक हीरालाल अलावा बड़वानी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाए कि जल जीवन मिशन के नाम पर बड़वानी में तकरीबन 400 करोड़ का गबन हुआ है और प्रदेश भर में इस स्कीम के नाम पर तकरीबन 4000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। हीरालाल अलावा ने कहा कि अरबों रुपए बजट में स्वीकृत होने के बाद ठेकेदारों को पेमेंट कर दिया गया, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। बड़वानी जिले में पीएचई विभाग ने 400 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और पूरे मध्य प्रदेश में हम सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 4000 करोड़ रुपए का आरोप इन्होंने घोटाला किया है। आज किसी भी जिले में जल जीवन मिशन के तहत जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए जो सरकार ने बजट में स्वीकृत किए हैं, इन्होंने धरातल पे काम नहीं, कुछ भी नहीं किया और कागजों में इन्होंने काम पूर्ण दर्शा दिया। विधानसभा में गलत जानकारी दी गई। आज एक भी स्कूल में पीने लायक पानी नहीं है, आज एक भी गांव में नल जल योजना के तहत पानी नहीं पहुंचा है और ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया। अधिकारियों के ऊपर जब हमने शिकायत करी कि ठेकेदारों और अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने जल जीवन मिशन के तहत भारी भ्रष्टाचार किया है, नलों में पानी नहीं पहुँचाया है और उनको भुगतान किया गया। खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल द्वारा हीरालाल अलावा पर पलटवार करते हुए कहा गया है कि 15 महीनों की सरकार में उन्होंने आदिवासियों से जुड़ा कोई भी मुद्दा हल नहीं किया, साथ ही विधानसभा सत्र में भी उन्होंने कभी आदिवासियों के लिए आवाज नहीं उठाई। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में देश की सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। मैं तो आपके माध्यम से डॉक्टर हीरालाल अलावा जी को कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के सदन में वो पहुंचे हैं, कभी भी उन्होंने आदिवासी गांव के विषय में आवाज नहीं उठाई। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब उनकी 15 महीने की सरकार कांग्रेस की थी उस समय विधायक थे, कभी उन्होंने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई कि गाँव में लोगों को पानी मिले। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आदिवासी समाज के हित की बात करती है और गाँव में जाकर पानी पहुंचे उसके लिए प्रॉपर योजना बना रहे हैं। बात रही भ्रष्टाचार की, तो कांग्रेस का पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, पुराने जितने भी भ्रष्टाचार हुए वो कांग्रेस की सरकार में हुए। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आज 9 साल होने में आ गए हैं, एक रुपए का भी आरोप केंद्र सरकार पर नहीं है, परंतु उसके पहले की जितनी कांग्रेस की सरकार रही उसको आप देखिए, ए से लेकर छेड़ तक कुछ घोटाला सरकार देख लीजिए, चारा घोटाला देख लीजिए, ऐसे तमाम प्रकार के घोटाले हैं जो कांग्रेस की सरकार ने किए हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि देश की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में निकल रही, एक रुपये का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। डायरेक्ट ट्रांसफर पॉलिसी के आधार पर डायरेक्ट हमारे हितग्राहियों को पैसा मिल रहा है, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है।